हम सदे सदे पेंडू बंदे थे, एक लड़की मिली, तूफान। उसने शादी कर ली, शादी करके इधर ले आई। गाइस मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड की जिंदगी का सारी गर्लफ्रेंड ना, जिंदगी का पता ही नहीं चला कैसे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। आज मैं व्लॉग वीडियो बनानी शुरू, अभी एक्चुअली मैंने कल वाली वीडियो फिनिश की और आज नई वीडियो बनाना शुरू करने वाली हूँ मैं। सो मेरे पति बना रहे हैं चाय शाम की मेरे लिए, 5:30 हुआ है चाय नहीं चौकी। सो चाय पीने के बाद मैं और हिम्मत जा रहे हैं थोड़ी सी हेलोवीन शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हिम्मत को हेलोवीन की डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है। सो हम डॉलर स्टोर जाएंगे। सो मैंने सोचा कि आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो नन्नी मन्नी से शॉपिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या पिक करेंगे। यूजली हम बहुत लेट हो जाते हैं तो फिर अही रेंद खूंद लेके आने हैं। सो अज अ 6 दिन पहले चलने हैं। हेलोवीन की डेकोरेशन तो ऑलरेडी लोगों ने बहुत पहले से कर ली है, हम थोड़ी सी करेंगे क्योंकि फिर हिम्मत को ना बहुत मज़ा आता है। जब उसे मज़ा आता है ना तो मैनू भी वधिया लगता है, जब वो खुश होता। सो या यही करेंगे हम। पति चाह पता नहीं कितना दी बनाते हैं। हाय दोस्तों, मैं वापस आ चुकी हूँ। ये है मेरे पति। ये थोड़े से भुलक्कड़ हैं, इनको याददाश्त थोड़ी कम है, इनकी चीज़ें बनाने में थोड़ा ढिले हैं, और भी कई सारे जो पत्तियों में नुक्स होते हैं वो इनमें हैं। सो इस 365 डे चैलेंज में हम इनके ना नुक्स निकाल के सीधा करेंगे इनको तकले के जैसा। जैसे जैसे मैं आपको टिप्स बता रही जाऊँगी वैसे वैसे आप अपने पति पर भी यूज़ करते जाना। अगर आपने कल की वीडियो देखी शायद आपने देखा होगा। गाइस मेरी रोज वीडियो देखते रहना, अदरवाइज आप ना मिस कर देंगे चीजें। कल हम लोग केक लेके आए थे ना, तो पति वो केक खा रहे, अब ठंडा होया, ठंडा है वो गरम करके खा रहे। कोई केक भी गरम करके खाता। और प्यार ये बना ला चा की करिया नहीं चीनी पाती। हां फैंटी है वाला मसा, फैंटी फोंटी नहीं होता कुछ इतना वाला चीनी इच भाई। हां चीनी इच सोड़ती जंदी बहू, आ की कर दे काम तुई अद्दा फिर डुल दिया चा। बहू चाय बनाने च ना थोड़ी फुर्ती ले आओ, मिंट मारिया करो आ करके चाय बन गई। नहीं मैं तो मेनू चाह दा, मैं ठेला लांदा रहया, मेनू के दा बंदा कुछ करे ना, मिंट मारे बंदा, मिंट मार के हो गया कान पे मार देनी है, मिंट मारे मिंट मारे मिंट मार के बंदा काम करके हो जांदा। सो चाय रेडी है पर मेनू बहुत घट मिलेगा, तुहानू दिखणी नहीं वेख्या। अद्दा पति बना ले सौंक के चीजा, बहुत कंजूस आ। ठीक है मेनू ना चॉकलेट केक नहीं पसंद बाऊ, एना तुहानू ते मैं तुहानू वनीला तुहानू भी नहीं पसंद वे है ना। मिठा नहीं है ना मेरा, दरअसल केक खाने मन नहीं है। केक खाना तो बढ़िया है। हिम्मत रेडी है जाने के लिए। बाहर बारिश हो रही है पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है या नहीं, हमारा शॉपिंग करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके आउट ऑफ फूड नाउ वी आर डूइंग हैलोवीन डेकोरेशन। हिम्मत इज सो स्टूपिड। सो हमारा शॉपिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम बारिश को तूफान को चीर के जाएंगे एंड कोई 2-4 चीजें लेके आएंगे, इतनी कोई बड़ी शॉपिंग भी नहीं करेंगे, मड़ी ही करेंगे। पर ऐसे ही हम दोनों कई बार ना एक्साइटेड हो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, हिम्मत राइट। सो हमें कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो लाना ही होता है, बिकॉज वी आर क्रेजी मॉमी एंड क्रेजी सन। हिम्मत का फेवरेट गाना लगा दिया गया है, अब हम जाएंगे। ओके बाय गाइस। यू नो व्हाट दे ओनली हैव, दे जस्ट हैव क्रिसमस डेकोरेशन। Go like you know me, let's run away together, go and live by the sea, yeah. I know a place and it's pretty far away where we could live. Guys, no luck, we just found Christmas decorations and I don't know why they just got
Christmas decorations. I'm so confused. Why? It's even Halloween. Almost, and we bought these. So what you got? We got these. Stamps and pencil. Okay, let's go then. Next. Now we're going to win it. Shoes and dresses, who needs them when you have your bikini and the clear ocean? And when the sun ain't watching and the moon's out too, we could have some fun in the lagoon, just me and you. Well, we could live. Guys, we're here for hats, and we got Mama got 3 and I got 4 hats. Liar. You have Mimi got 2 and I got see a shooting star, and we'll grow old like 2 leather bags. Leave footprints on the beach as we walk through the sand. We'll grow old like 2 leather bags. Let the sun kiss our skin. It looks so fall. We'll grow old like 2 leather bags. Let the sun kiss our skin as we run. Totally almost missed you, so what I got is I got 1,000 hats, and here is 1,000. You got any Halloween decorations? Totally no. So that was a bad luck. But we got And what's your plans now? Where are you going? Home. Ah, okay. That's bye. An interesting place, so bye. Bye, oh, I totally missed my car too. और एक दोस्तों, आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने कल जाने से पहले मेरे बालों को धोया था, एंड मेरे बाल एयर ड्राई होकर कुछ इस तरह के लग रहे हैं. बाल मेरे वैसे ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने मेरे बालों पे मास्क लगाया है. कौन सा मास्क लगाया है? सो मैंने यूज़ किया है मेरे बालों पर ये वाला मास्क. ओके, एक्चुअली एंड मेरे बालों पे यूज़ करने के लिए मैं ये मास्क भी लेके आई हूँ. सो शेयर मॉइस्चर के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे वॉलमार्ट से. मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है, लोगों को इसके शैम्पू एंड कंडीशनर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ. मैंने शैम्पू एंड कंडीशनर नहीं लिया है, मैंने सिर्फ ये मॉइस्चराइजर लिया है, क्योंकि जैसे मेरे बालों का टेक्स्चर है जब मैं उनको स्ट्रेट करती हूँ या जो भी करती हूँ, कई बार वो बहुत ही डल एंड ड्राई दिखते हैं. तो मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं हमेशा कोई ना कोई मास्क यूज़ करते रहूँगी जिससे हेल्प हो. यस, मैं मेरे बालों में ऑलिव ऑयल भी लगाती हूँ, सम डेज कास्टर ऑयल भी लगाती हूँ, पर ये जो मास्क है ना ऐसे ट्रीटमेंट, ये बहुत क्विक काम करते हैं. अगर आप DIY यूज़ करते हैं अच्छे तो हैं, पर बहुत स्लोली काम करते हैं. DIY ज़रूर से करें, पर अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो सम डेज आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं. सो अब मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही प्यारा चमत्कार. सबसे पहले मेरे बालों को करेंगे हम कॉम. वैसे मेरे बालों को कॉम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं नहाती हूँ ना, मैं कॉम करके नहाती हूँ, तो नहाने से पहले ही मेरे बाल अच्छी तरह कॉम होते हैं, और उसके बाद जब मैं बालों को धोती हूँ तो ऐसे 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 नहीं करती हूँ, अच्छी तरह याद करके, ताकि ज़्यादा उलझने ना आए. गुंजला, हम लोग गुंजला कहते हैं, गुंजला ना पैंट ज़्यादा उलझन, आई डोंट नो क्या कहते हैं, बताना आप. सो इसी तरह इस साइड कर लेंगे, होल्ड करके करें अपने बालों को ब्रश ना, जितने कट डैमेज होंगे उतना ही अच्छा है. वैसे इस काम के लिए मुझे इस किस्म के ब्रश बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनसे ना मेरे बाल हर्ट नहीं होते. अगर मैं नॉर्मल कंघी लेके कंघी करना शुरू करूँ ना, तो बाल इतने दुखते हैं ना, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं ये अपने बालों को उलझने निकालूँ बालों में से. सोती हूँ ऐसे छोड़ दूँ, इससे ना एक्चुअली रिलैक्स फील होता है. ये जो बम्प्स है ना, करना मसाज एंड थेरेपी जैसे लगते हैं. सो बालों को कंघी करने के बाद बाल कुछ इस तरह के दिखेंगे. अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि जो मुझे कंपैरिजन के लिए बंदा या पिक्चर याद आ रही है ना, उससे किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हो, किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, पर आपको कोई बंदा याद आ रहा है मेरे बाल देख के? सो अगर नहीं आ जाएगा मुझे लग रहा है. सो आजकल मैंने मेरे बालों को ब्लो ड्राई करने से पहले यूज़ करना शुरू किया है ये जी का 44 आयरन गार्ड. ये है थर्मल प्रोटेक्शन स्प्रे, मेड इन USA, पैराबेन फ्री. सो इसे हम स्प्रे कर लेंगे, एक्चुअली ये हीट प्रोटेक्शन है. सो थोड़ा दूर रख के स्प्रे करने के लिए कहा गया है, करेंगे. वैसे ना इसकी खुशबू अच्छी है. बहुत सारे दोस्त जब मेरे नेचुरल बाल देखते हैं ना, हमेशा कहते हैं कि तुम ऐसे रखा करो, बहुत अच्छे लगते हैं,
नेचुरल. अब देखो इन्हों कितना स्टाइल करा है, क्या करूँ, मैंने समझ नहीं आता कि कितना जाए इन्हों वाला था. स्पेशली जब आपने अपना फेस नहीं पहना होता ना, लाइक आपने मेकअप नहीं पहना होता था, ये बाल और भी ज़्यादा अजीब लगते हैं. लगता है कि कुछ गलत हो गया आपके साथ. मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको ऐसा ना लगता हो. वैसे तो मुझे क्लिप चाहिए पर इस टाइम मेरे पास है नहीं. जब आपको नहीं चाहिए होते तो हर तरह वही दिखेंगे, जब चाहिए होते हैं तो नहीं दिखेंगे. सो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये है रेवलॉन का वन स्टेप समथिंग स्टाइलर कुछ इसका नाम ऐसे ही है. मैं यहाँ पे पिक्चर छोड़ दूंगी इसकी. इससे पहले मैं यूज़ करती थी ब्लो ड्रायर एंड राउंड ब्रश. सो ऐसे ब्रश लूँगी और उसके साथ करूँगी. जैसे आपको पता है मेरे जोड़ों में पेन रहता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, और इतना मुश्किल हो जाता था कि मुझे स्किप करना पड़ता था. मैं कितने दिन मेरे बालों को स्टाइलिंग करती थी, पर इससे मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है. पर अकेला ये मेरे बालों को स्टाइल नहीं कर पाता है, पर बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, ताकि जब मैं कर्लर यूज़ करूँ या फ्लैट आयरन करूँ तो बहुत आसानी से काम हो जाता है. तो इससे हम हमारे बालों को ड्राई करेंगे. ज़्यादातर मैं इसे तभी यूज़ करती हूँ जब मेरे बाल अच्छी तरह ड्राई हों, और भी ज़्यादा क्विक, लाइक 5 मिनट लगेंगे सारे बाल सेट हो जाएंगे. पर आप इसके साथ अपने बालों को सेट भी कर सकते हैं. अब देखिए ये मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं, इस ब्लो ड्राई के बाद ऐसे लगेंगे. सो यू गाइस कैन सी कितने ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं एंड बड़े सॉफ्ट भी लग रहे हैं. सो अगर तो मैं ऐसे बालों को स्ट्रेट करूँ, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, हीट भी ज़्यादा लगेगी, और फिनिश भी उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी इसकी आती है. सो जो दोस्त कहते हैं ना कि तुम्हारे बालों का जैसा ही टेक्सचर मेरे बालों का है, तो उनको ये तरीका यूज़ करना चाहिए. आप देखेंगे कि आपके बाल एंड ऑफ द डे कितने शाइनी लगेंगे, और जो भी आपने स्टाइलिंग की होगी वो तब तक रहेगी जब तक आप अपने बालों को दोबारा से धोते नहीं हैं. सो यस, यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. मैं आपको सारे बाल करने के बाद मिलती हूँ, तो इस प्रोसेस को कर देते क्विक. किसका मन करेगा ये बोरिंग प्रोसेस देखने के लिए, मेरा तो नहीं करता है. The rain coming down right now. Finally feel alive and I don't know how. If I'm honest, I don't care to figure it out. Cause I'm on. Alright, दोस्तों we done. बालों को एक बार फिर से ब्रश कर लेते हैं. So बाल कुछ इस तरह के दिख रहे हैं. Like styled नहीं है, पर बहुत ज़्यादा soft है. एंड कोई इनमें वो टेक्सचर नहीं रहा है, एंड काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं. ऐसे बालों को देख के कोई बता नहीं सकता कि आपके बाल इतने रफ एंड वेवी या कर्ली होंगे, क्योंकि जब मैं वेवी कर्ली बोल रही थी लोग कहते ओह दिस इज नॉट कर्ली, दिस इज जस्ट वेवी. सो जो भी हैं वही हैं, राइट. सो इस तरह अपने बालों को करें. अब मैं मेरे बालों को ऐसे छोड़ दूंगी, कल मैं स्टाइल करूंगी, कल मैं स्ट्रेट करूंगी या वेव करूंगी, क्योंकि कल मुझे बहुत प्यारी एक मेकअप वीडियो शूट करनी है, फुल कवरेज फाउंडेशन वाली. सो तब मैं बालों को स्टाइल करूंगी, क्योंकि अब मैं स्टाइल करूंगी तो सोने के लिए जा रही हूँ, तो फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाहर रात हो चुकी है. फनी किस्सा क्या याद आया है मुझे, यहीं पर बता दूँ या बाहर जा कर बताऊँ? ऐसे बता देती हूँ बालों को ब्रश करते हुए. फनी किस्सा ये याद आया है, एक हमारे कोई नॉन है, उन्हें एक बार मैं मिली किसी शादी में, लेडी उन्हें मैं किसी शादी में मिली, एंड उसके बाद मैं उन्हें मिली 5-7 साल के बाद, जब हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया गए थे तब मैं उन्हें मिली. उसे शादी की पिक्चर्स दिखा रही थी वो लेडी, एंड मुझे कह रही कि लुक ये पिक्चर तब की है जब तुम्हारे बाल तुमने कर्ली करवा के रखे थे. मैंने कहा कि मैंने मेरे बालों को कभी कर्ली नहीं करवाया है एंड मेरे बाल नेचुरली कर्ली हैं. शी सेड कि तुम मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकते, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम्हारे बाल नेचुरली कर्ली नहीं है, तुम्हारे बाल स्ट्रेट है, तुम मान जाओ और ये तब किया जब तुमने कर्ली करवाए थे. मैंने कहा कि मैंने कर्ली कभी नहीं करवाए. शी सेड कि नहीं नहीं नहीं, तुम मानने नहीं रही, तेरे याद नहीं है, पर तेरे बाल असल चे नॉर्मल आ, पर तुमने कर्ली पैसे दे के करवाए थे. और मैं कहा कि फिर मैंने बहस नहीं की थी. जब किसी को पता ही नहीं है तो क्या बहस करके फ़ायदा. बट जब मैं मेरे बालों को वेव कर रही होती हूँ, जब मैं अपने बालों को कर्ली देखती हूँ ना, मुझे वो इंसिडेंट याद आ जाता है कि उस लेडी को लग रहा था कि मैंने मेरे बालों को पैसे दे के कर्ली करवाया है, एंड वो कह रही कि तुम्हें याद नहीं है, पर उसे याद है जो मैंने 2 बार मिली ज़िंदगी से, उसे याद है कि बाल कर लिए हैं पर मुझे याद नहीं है. एंड दो बोरिंग बंदे जेड दुनिया का सब तो ज़्यादा बोरिंग है ऊपर आ गया. सो मुझे लगता है कि अब हमें विदा लेनी पड़ेगी. सो यार दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही. आज साढ़ा दिन सक्सेस नहीं हुआ, हमें सामान नहीं मिला, मुझे लगता है कल मिलेगा या कुछ दिन बाद जाएगी. हमें लगता था कि हम बहुत ज़्यादा शाड़े हैं पहले ही जा रहे हैं, पर उन्होंने पता नहीं लगाया ही नहीं सामान. हर तरफ क्रिसमस की डेकोरेशन का सामान था, कोई भी हैलोवीन का था ही नहीं. मैं मुक्की मार देने ढड़ दे तो मार दे.
गाइज दिस इज माई हस्बैंड, अगर आप इनसे कभी नहीं मिले तो आज मिला देती हूँ। इनका नाम है मिस्टर निक और ये एक रियलिटी, ये मैं नया हस्बैंड आया हूँ जो पुराने वाला है बंता सिंह, he gone somewhere। और भाई दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इनसे मिले नहीं होंगे, ये शख्स से मिलिए। ये शख्स है क्राइम पेट्रोल वाला बंदा, ये मेरा पति है और इनका एक विचार बिल्कुल क्राइम पेट्रोल वाले एक बंदे वाले हैं। और ये एक रियलिटर है और ये बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टीज बेचते हैं और मैं इसे रियलिटी भी दिखाता रहता हूँ और इनको मैं घर पे डांस दिखाती हूँ। तो ये भी दस रहे कुछ अपने बारे, सलापन खुली किताब है खुली किताब है प्यारी, तेरे बारे तो मैं भी नहीं जान ली। ओके आज सारे नु दस दो कि तो डिया किनिया गर्लफ्रेंड सी गया मसालेदार जूसी गर्लफ्रेंड है कितो बनी है यार, मैं पिंड च रहा। ओ माय गॉड की गाइस मेरे पति की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, बहुत सारी पिंड में रहा ते मेरे जो बाप ने मेरे से पूरा काम लिया, फिर मैंने स्कूल का पूरा काम किया, कॉलेज का पूरा काम किया। बहु आ देखो, ओके चुप बोलेंगे, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहोगे सच कहवांगे, कहते ना यार ठोके कहवांगे, कोई तो डरते है कि हो हां तो ही कोर्ट चाहिए थे, कोर्ट की मर्यादा भंग नहीं कर सकते, जज साहब ये बंदा मुजरिम या बे है, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा और क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ओके सो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी बताइए माननीय जज साहब को। हम सीधे सीधे पेंडू बंदे थे, एक लड़की मिली, तूफान उसने शादी कर ली, शादी करके इधर ले आई। गाइस मैं आपको बताऊं मेरे हस्बैंड की जिंदगी का सारी गर्लफ्रेंड ना, जिंदगी का पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, उनको गिनती भी याद नहीं है, कहंदे कि कहीं ते एक दिन की गर्लफ्रेंड ही कोई दो दिन दी ही भूल गए हैं बेचारे। वो तो मैं उन दिन ना गप छोड़ देना, नहीं नहीं मेनू इनके बेस्ट फ्रेंड ने भी बताया था कि एड्डी करदा ही भूल जांदा ही, फिर तो ये बहुत ज्यादा प्ले बॉय बन गए थे अपने आप च। अगर किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैं आपको कल मिलती हूँ। ओके okay?